नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस सीरीज चाइना ट्रैवल 2023 में। दोस्तों आज मैं आपको गुआंगझोउ चाइना की एक ऐसी स्ट्रीट पर, एक ऐसी रोड पर लेकर चलूंगा जहां पर अधिकांशतः आपको भारतीय देखने को मिलेंगे, इंडियंस देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो इंडियंस जो गुआंगझोउ चाइना में व्यापार करने के लिए जाते हैं और वो वहां पर जाकर ठहरते हैं। दोस्तों उस रोड का नाम है लुजिंगलू। जी हाँ दोस्तों, उस रोड का नाम है लुजिंगलू। दोस्तों जितने भी भारतीय व्यापारी जो चाइना के अंदर बिजनेस करने जाते हैं या किसी एग्जीबिशन को अटेंड करने जाते हैं जैसे कैंटन फेयर, तो वो लोग अधिकांश से इसी लुजिंगलू रोड पर जाकर ठहरते हैं या इसके आसपास ठहरते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुआंगझोउ सिटी इतनी बड़ी सिटी है, वहां पर बहुत सारे होटल्स हैं, सब कुछ है, तो आखिर इंडियंस इसी लुजिंगलू पर आकर क्यों ठहरते हैं? दोस्तों इसकी वजह काफी सारी है। सबसे पहली छोटी सी बात बता दूं कि लुजिंगलू चाइना के गुआंगझोउ शहर में सेंटर में है और इसके आसपास जितने भी मार्केट होलसेल की है, जिधर से व्यापार होता है, जो लोग व्यापारी हैं अपना सामान होलसेल में खरीदते हैं, वो होलसेल मार्केट जितनी भी है इसी लुजिंगलू मार्केट के आसपास काफी सारी है। तो एक वजह तो यही है कि इंडियंस उसके वहां पर जाकर ठहरते हैं कि वो सेंटर में गुआंगझोउ में ठहरे हैं तो इजीली किसी भी होलसेल मार्केट में जा सकते हैं। यहां से ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली मिलता है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो मेट्रो हो या वो टैक्सी सर्विस हो, आप किसी भी सर्विस को इजीली यहां से ले सकते हैं, आप इजीली किसी भी मार्केट में पहुंच सकते हैं। और उसके बाद आप यहां पर जो सबसे मेन है, मैं तीन चीजें बताऊंगा जो सबसे मेन है कि इंडियन आखिर इस लुजिंगलू रोड पर ही क्यों ठहरते हैं या इसके आसपास ही क्यों ठहरते हैं। उन तीन चीजों में सबसे पहले है इंडियन रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेस्टोरेंट। वो इंडियन रेस्टोरेंट कौन कौन से हैं मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो होते हैं होटल्स। तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम चीज है जिसके बारे में अक्सर आप मुझसे पूछा करते हैं वो है शिपिंग एजेंट। तो दोस्तों इन तीनों के बारे में अब मैं आगे वीडियो में डिस्कस करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले इंडियन रेस्टोरेंट, अपने देश की खुशबू पराए देश में। जी हाँ दोस्तों, गुआंगझोउ के अंदर आप अगर लुजिंगलू पर जाकर ठहरते हैं तो वहां पर आपको काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। दोस्तों वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप गूगल में सर्च करते हैं कि भाई इंडियन रेस्टोरेंट इन गुआंगझोउ, तो आपको बहुत सारे नजर आते हैं, लेकिन कोविड के बाद बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट क्लोज हो गए हैं। अब वहां पर गिनती के 5 या 6 ही रेस्टोरेंट हैं जो आपको लुजिंगलू या उसके आसपास नजर आएंगे। लुजिंगलू पे है तो उसके आसपास देखिए कि आपको वहां पर काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए वहां पर अगर लुजिंगलू पे घूम रहे हैं तो सामने आपको नजर आएगा साईं सागर। साईं सागर इंडियन प्योर वेज रेस्टोरेंट। आप साईं सागर जो 3rd फ्लोर पर है, आप वहां जाते हैं तो वहां पर आपको प्योर वेज खाना मिल सकता है, आपका इंडियन टेस्ट काफी अच्छा है। उसके प्राइस स्क्रीन पर आ रहे हैं कि क्या प्राइस है इस समय। उसके पास ही अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो आप साईं सागर के बगल में ही देखेंगे तो एक आपको जो होटल मिलेगा वो है अर्बन स्पाइस। जी हाँ दोस्तों, अर्बन स्पाइस, यहाँ पर आपको नॉन वेज आइटम भी खाने को मिल सकते हैं। आप इजिली इस होटल के अंदर जाइए और आपको खाने की वेराइटीज काफी सारी देखने को मिलेगी। इस होटल में खाने के प्राइस तकरीबन, मैं कभी नहीं गया लेकिन वहां पर मैंने सुना है कि ये प्राइस है, स्क्रीन पर उनके प्राइस है। दोस्तों उसके बाद अगर आप इधर थोड़ा सा बाहर निकलते हैं लुजिंगलू से ह्वांशी रोड की तरफ, तो वहां पर आपको लिटिल पापा भी देखने को मिलेगा। और आप उधर ह्वांशी ईस्ट रोड की तरफ जाएंगे तो चाइना में अगर कोई भी इंडियन अगर रहता है या वहां घूमने जाता रहता है तो वो उस होटल को, उस इंडियन रेस्टोरेंट को जरूर पहचानता है। उस इंडियन रेस्टोरेंट का नाम है शर्मा जी। जी हाँ, शर्मा जी बहुत ही पुराना इंडियन रेस्टोरेंट है जो वहां पर प्योर वेज खाना आपको प्रोवाइड करता है। खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, बुफेट सिस्टम, अला कार्ट, दोनों तरह का खाना मिलता है। आप यहां पर जाके खाने का ट्राई कर सकते हैं और वहां के प्राइस भी 110 RMB है शायद एक आदमी के लिए, जो बुफे सिस्टम होता है, बफेट सिस्टम होता है। तो आप शर्मा जी पर जाइए, वह खाने को टेस्ट कीजिए। वैसे दोस्तों वहां पर आप काफी ऐसा ही पहले जो कोविड से पहले थे, मेरे को इस बार की ट्रिप में नजर नहीं है, लेकिन बहुत सारे जैसे कि बॉम्बे ग्रिल रेस्टोरेंट, बंगाली रेस्टोरेंट, तंदूर था, एक जय हो करके रेस्टोरेंट था पहले वहां पर, कोहिनूर नाम का रेस्टोरेंट था, और पंजाबी इंडियन रेस्टोरेंट था, आयुषी इंडियन रेस्टोरेंट था, ऐसे कई ऐसे नाम थे जो आपको वहां पर देखने को मिलते थे। अशोका, उसको भी ढूंढा था लेकिन मुझे नहीं मिला।
ऐसे कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन आपको लुजिंग लू के आसपास ये इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। आप वहां जाइए और अपने देश का अपना खाना स्वाद लीजिए। दोस्तों उसके बाद आते हैं होटल्स। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इंडियन इसलिए यहाँ पढ़ते हैं इस लुजिंग लू के आसपास के होटल्स में, कि यहाँ पर एक तो बजट में होटल मिल जाते हैं और सबसे मेन वजह है हमें यहाँ पर आसपास काफी सारे इंडियंस देखने को मिलते हैं। और इन होटल्स में ठहरने का एक फायदा और है कि यहाँ पर जो होटल्स के आसपास जो छोटी छोटी दुकानें जो चाइनीज की बनी हुई है, उन दुकानों पर कहीं कहीं हमारे इंडियन ग्रोसरी भी मिल जाती है। लेकिन इंडियन काफी सारी ग्रोसरी का सामान भी आपको यहाँ पर इजीली मिलेगा, आपको हर चीज की फैसिलिटीज बहुत इजीली मिल जाएगी। तो ये कुछ होटल हैं जो लुजिंग लू पर स्थित है, तो उनका नाम है फुयांग होटल्स, फुगैंग होटल्स, युयांग होटल्स और कंट्री इन सूट्स बाय रेडिसन। ये अभी खुला है, पहले यहाँ पर कोई दूसरा होटल होता था वो बंद हो गया, उसकी जगह कंट्री इन रेडिसन का होटल है। और दोस्तों इसी लुजिंग लू रोड है, इसके आसपास एशिया इंटरनेशनल होटल जहां पर काफी सारे इंडियन ठहरा करते हैं। और उसी ह्वांगशी रोड पर आप जाएंगे जहां शर्मा जी है, वो लुजिंग लू से आप टर्न लेते हुए, लेफ्ट को टर्न लेते हुए जब ह्वांगशी रोड पर टर्न करेंगे तो आप वहां पर काफी सारे होटल्स देखेंगे जो 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होंगे, अपार्टमेंट्स भी होंगे, जिसमें से कुछ नाम मैं आपको अभी इसमें बता देता हूं। जैसे एशिया इंटरनेशनल होटल जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ओशियन होटल, बयान होटल, मेरे ख्याल ये बयान होटल के अंदर ही शर्मा जी है जो ह्वांगशी रोड पर है, शर्मा जी रेस्टोरेंट। उसके बाद आपको द गार्डन होटल मिलेगा, क्राउन प्लाजा मिलेगा, आपको बहुत सारे बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स की कैटेगरी में मिलेंगे। आपको अपार्टमेंट चाहिए तो यो अपार्टमेंट्स होगा, ये यो ले अपार्टमेंट्स होगा, एक आगे जाके ई है होटल्स है जहां मैं ठहरा था, वो होटल भी आपको ह्वांगशी रोड पर मिलेगा जो लुजिंग लू से करीब 2 से 3 किलोमीटर का जो एरिया है, वहां पर आपको काफी सारे इंडियंस घूमते नजर आएंगे, बहुत सारे होटल्स नजर आएंगे जिनके बजट मैंने हर तकरीबन आपको स्क्रीन पर देता हुआ गया हूं कि किसका क्या रेट है। वैसे मैं आपको फिर बता दूं कि वहां पर आपको 300 आरएमबी से लेकर 600 आरएमबी तक की नॉर्मल प्राइस में होटल मिल जाएंगे। लेकिन आप कैंटोन फेयर के चक्कर में जाते हैं अप्रैल या अपने अक्टूबर मंथ में, तो इन होटल के प्राइस डबल भी हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो अपना प्लान उसी हिसाब से बनाइएगा कि आपके बजट में ये सब होटल आ सके। दोस्तों उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर पर, हमारे शिपिंग एजेंट। जी हाँ दोस्तों, शिपिंग एजेंट। अब हमने गोंजोउ गए, खाना भी खाया, वहां पर हम होटल में भी आराम से ठहरे, लेकिन अभी हमने वहां पर होलसेल मार्केट में जाकर खरीदारी भी की। अभी इसी लुजिंग लू रोड के आसपास आपको काफी सारे शिपिंग एजेंट देखने को मिलेंगे जो चाइनीज भी हैं और हमारे इंडियंस भी हैं। मैं आप 2-3 इंडियंस के नाम बता देता हूं जो वहां पर अपनी सर्विस दे रहे हैं, जिनके ऑफिस लुजिंग लू या उसके आसपास है। सबसे पहले अगर आप वहां पर घूमते घूमते देखेंगे, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगे हुए नजर आ जाएंगे अपने इंडियन शिपिंग एजेंट्स के, जैसे बार्बरिक लॉजिस्टिक जिसका काफी बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, वहां पर आपको लुजिंग लू रोड पर नजर आएगा, उनका ऑफिस भी वहीं नजदीक है, आप वहां पर उसका पता देख सकते हैं। उसके बाद बार्बरिक के बाद दूसरे नंबर पर आपको प्राइम ग्रुप वाले भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। प्राइम ग्रुप भी चाइना में काफी सालों से लॉजिस्टिक का काम कर रहे हैं, जो आपको एयर सर्विस और सी बाय सी आपका सामान लेके आते हैं। बार्बरिक वाले भी बाय सी और बाय एयर का काम करते हैं। उसके बाद आपको वहां पर केटूम सर्विस भी नजर आएगी, केटूम वाले भी नजर आएंगे जो बाय सी और बाय एयर का काम करते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि वो इंडियंस है, इंडियंस के हैं, तो आप इजीली उनसे बात कर सकते हैं और उनसे अपने सामान के लिए बारे में पूछ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बता सकते हैं और उनसे चार्जेस भी ले सकते हैं। दोस्तों सबसे बेनिफिट की बात मैं आपको अब बताता हूं इन शिपिंग एजेंट के साथ जो अपने इंडियन से काम करने का फायदा क्या है। दोस्तों आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं, ये शिपिंग एजेंट अपने नाम पर आपका सामान लाएंगे, वहां से लेंगे, पूरा का पूरा सब कुछ कस्टम क्लियर करेंगे, सब कुछ करने के बाद आपको आपके घर पहुंचा देंगे बाय ट्रांसपोर्ट या बाय जैसे भी पहुंचाएंगे। आपको इनवॉइस देंगे, जीएसटी इनवॉइस भी देंगे और सब करेंगे, ये इससे थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा आपको। एक बार आप जाके बात कीजिए, बाकी हर चीज खुल के नहीं बताई जा सकती, समझ रहे हैं आप। तो दोस्तों आप समझिए और इन एजेंटों से बात कीजिए। बाकी इसके बाद सिनो लॉजिस्टिक है, एंड टू एंड लॉजिस्टिक है, और भी आप वहां पर घूमेंगे तो आपको गोंजोउ के अंदर भी काफी सारे शिपिंग एजेंट मिल जाएंगे। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं शिपिंग एजेंट इन गोंजोउ। तो ये थी कुछ बातें जिसकी वजह से हम इंडियंस जो व्यापारी हैं वो चाइना के गोंजोउ में लुजिंग लू रोड पर जाकर ठहरते हैं। आप भी अब कभी भी जाएं तो जरूर जाकर लुजिंग लू पर ठहरिए और इंडियन खाने का, इंडियंस लोगों से मिलने का भरपूर मजा लीजिए। दोस्तों अब आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा।
अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लाल रंग का बेल आइकन आ रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।